8:23 पे पहुंच गए HOT हाउस ऑफ ट्रेवलर। तो यहाँ पे पार्टी है, पहली बार मैं कुछ इस तरह का इवेंट अटेंड कर रहा हूँ ऋषिकेश में। जो तुषार भी आया है, तुषार भी और मनीष भाई भी। तो भाई रजिस्ट्रेशन तो गया, स्टैंप लगवा लेते हैं। HOT का ना ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे टेबल टेनिस भी रखी है, रिसेप्शन है, और पे आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, सोफे वगैरह। चलो ऊपर चलते हैं, फोर्थ फ्लोर पे चलते हैं। फोर्थ फ्लोर है भाई, अभी शुरू नहीं हुआ। सो भाई हाउस ऑफ ट्रेवल में पहुंच तो गया हूँ, 8 बजे का प्रोग्राम था, 8:28 हो रहे हैं, अभी तक तो शुरू हुआ नहीं है। शायद ये आ गई है जो प्ले करेगी। 8:40 हो रहे हैं, छठे वे सब लड़के ही हैं यहाँ पे। सिर्फ कुछ ही फोनर है, जैसे कि एक या दो उधर बैठे हैं, एक जर्मनी की लड़की है जो प्ले करेगी वो आ चुकी है। 8:41 हो रहे हैं, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो अभी तो हमें बैठने की जगह मिल गई है। भाई कुछ लोग और आ रहे हैं। सो भाई आते तो इनके स्टाफ के लोग हैं जो डांस कर रहे हैं। कुछ योगा वाले स्टूडेंट आए हुए हैं सफेद ड्रेस में। एक इनका डीजे प्ले वाला आया नहीं है, बाकी अभी हो चुके हैं 9 बजने वाले हैं। भाई 30-40 मिनट हो गए हैं, ट्रांस बहुत थकावा बजा रही है ये, और एक ही तरह का बजा रही है, मतलब डिफरेंट कुछ मतलब वैरायटी नहीं है, बोरिंग है, बोरिंग। अभी भी 5 लोग नाच रहे हैं, 3 तो स्टाफ के हैं। कैप वाली देख रहे हो, ये इजराइल की मोटी है, यही रहती है, ये भी यही काफी है। ये देखो इधर 3-4 लोग खड़े हैं स्टाफ के हैं, मुंह लटका के। ये MLM की मीटिंग नहीं होती, पीछे खड़े होते क्लैप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, पीछे की तरफ खड़े सराउंडिंग में जाते हैं। भाई वही सिस्टम है, इधर भी ये भी स्टाफ के खड़े हैं, 2-4 कुछ खड़े बैठे हुए हैं। स्टाफ के लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं मोबाइल से, इनको आपस में लाइव कर देंगे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे डाल देंगे ग्रुप में। देखो पार्टी कितनी जबरदस्त हुई है, कुछ मजा नहीं आ रहा, दम नहीं है, ये म्यूजिक हमें खींच नहीं पा रहा, वरना म्यूजिक ऐसा होना चाहिए था कि हम उठ के चले जाएं स्टेज पे। सब बैठे हुए ऐसे, ये देखो इधर भी भाई 3 लोग आए हैं अभी, ये लेडी एक लड़की आई है, 2 लड़के, ये भी हॉस्टल में रुक रहे होंगे। कुछ लोग और आए हैं, सॉरी दोस्तों मैं गलत था, ये देखो। तो भाई तुषार और मनीष इधर बैठे हैं, बाकी इधर माहौल देखो कितना बज रहा है, 9:15। Thank you.
हो गए और यहाँ पे ये माहौल बना हुआ है, यहाँ पर डीजे प्ले हो रहा है। मनीष भाई और मैं थोड़ा सा डांस कर, अभी बज रहे हैं 9:30, अब माहौल सा बन रहा है यहाँ पे। पौने 10 हो गए हैं इस भाई और मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है, इतना मजा नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है, बस लोग डांस कर रहे हैं। 50% फॉरेनर है, 50% इंडियन है। हम जा रहे हैं यहाँ से, एक म्यूजिशियन आया एक नहीं आया। 9:49, कुछ लोग कम हो गए हैं अभी, कुछ लोग नए भी आए हैं। सेम म्यूजिक चल रहा है, थोड़ा बोरिंग सा हो रहा है बस। या तो आप थोड़ा चरस गांजे में फिर माल फूक के आओ, वो वाला माहौल है, तब आप डांस करते रहोगे। तरफ लोग नाच रहे हैं, आधे में आधा खाली पड़ा है, ये देखिए बोरिंग पार्ट है तो सारी इधर बैठा है। 9:53, अब बाय बाय टू दिस प्लेस, हम जा रहे हैं, हम बोर हो चुके हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। सो भाई इनसे पूछ लेते हैं एक बार। सो दोस्तों देखो, ये आई थी, ये नहीं आया था। 300 रुपए दिए थे, मैं इनको बोल रहा हूँ 150 रुपए वापस करोगे, तो कह रहे नहीं करेंगे भाई, जब ये ही नहीं आए तो पैसे कहाँ से आएंगे, ये बोल रहे हैं। ओ भाई, बाहर निकल के क्या हवा लग रही है, क्या हवा है भाई, ये तपोवन की हवा है पता है, इतनी बेस्ट। HOT हाउस ऑफ ट्रेवलर के सामने कुछ लोग खड़े थे, पूछ रहे थे कैसा लगा, हमने तो बता दिया भाई मजा नहीं आया। एक इनका डीजे प्लेयर आया नहीं, एक ही आई थी वो जर्मनी वाली, इसराइल वाला आया नहीं। मैंने रिसेप्शन पे बोला भी भाई 150 आधे पैसे वापस करो, तो वह आधे पैसे वापस नहीं कर रहे। चलो कोई बात नहीं, मेरा तो पूछने का फर्ज था, बाकी ये माहौल है इसी केस में। तो अपन हवा देहरादून की तरफ वो ठंड नहीं है जो परेशान करती है, ये स्मूथ है, मतलब स्मूथ है, मजा आ रहा है, स्वेटर जैकेट भी मजा आ रहा है।
तो भाई अभी रिव्यू कर रहे हैं, ठीक था लेकिन इतना नहीं था कि फ्राइडे नाइट को एज्यूर में वो अच्छा हो जाता है, इससे तो अच्छा हो जाता है। अच्छा फ्री है तो मनीष भाई बता रहे हैं एज्यूर कैफे है अमा कैफे के ऊपर राजपुर रोड पे, वो इससे अच्छा म्यूजिक सिस्टम इससे अच्छा होगा, म्यूजिक सिस्टम भी है, लाइट भी है, उसका डीजे फ्राइडे नाइट को आता है तो अच्छा हो जाता है। तो सैटरडे में भी प्ले करते होंगे? सैटरडे का मुझे आइडिया। अच्छा फ्राइडे को तो प्ले करते हैं और वो फ्री है भाई, वो इससे अच्छा बोलते हैं। तो वहाँ लोग डांस करते हैं आप? हाँ नीचे करते हैं, ऊपर खाओ नीचे डांस। अरे वाह बढ़िया है भाई, मस्त है। पर इतना वर्थ नहीं है कि मैं देहरादून से आऊँ इसको देखने, बस मेरे को तो एक बार रिकॉर्ड करना था, रिव्यू देना था, तो यहाँ पे आ गया। सो अभी 10:02 हो गए हैं और अभी हमें थोड़ा सा भूख लग रहा है और मनीष भाई को पीनी है कॉफी, तो हम इस तरफ आ गए हैं बरिस्ता डोमिनोज और बर्गर किंग की तरफ। भाई इसके बराबर में ये होटल खुल रहा है लेमन ट्री, ये देखो कितना बड़ा होटल है ऋषिकेश में, अब तो भाई बूम, ये तो जबरदस्त चलने वाला चलेगा। सो भाई हमारा 12 नंबर है, इन्होंने ये दिया हुआ है, हम काफ़ी देर से बैठे हैं यहाँ पर। हमारा 12 नंबर पहले प्रिपेयरिंग ऑर्डर में प्रिपेयरिंग मारा था, फिर रेडी टू पिकअप में आ गया, फिर गायब हो गया। ना 11 आ रहा ना 12 आ रहा है, पता नहीं क्या टेक्निकल ग्लिच है। इस पर टाइम देखियो, 10:07 पे हमने ऑर्डर किया था भाई, 10:07 पे, और अब देखो 10:26, तो यानी कि पूरे 20 मिनट लग गए हैं। एक साथ ऑर्डर किया था तो सार को दे दिया, हाफ ऑर्डर मेरा ऑर्डर दिया नहीं है, बर्गर मेरा आया नहीं है। 20 मिनट हो गए भाई, 20 मिनट तो बहुत लंबे समय होता है भाई। वो आए थे हमसे बाद में भाई, अब बना रहा है, 10:30 हो गए, देखो अभी दिखाता हूँ, अभी बना रहा है वो, देखो अभी बना रहा है वो देखो अभी बना रहा है, अब मतलब अभी हो रहे हैं 10:30 हो रहे हैं, 10:07 पे बोला था अब बना रहा है, फटाफट बना रहा है बहुत तेजी से, इतनी क्वालिटी से भी नहीं बनाएगा अभी तो। हमसे बाद में आए थे कुछ बंदे वहां पे बैठे थे, वो भी खा के चले गए। इस भाई बता रहे हैं जो बंदा आज स्टाफ कम है वो खुद बोल रहा है, और वो टॉयलेट में बैठा था बंदा, पता नहीं हाथ धोए होंगे नहीं धोए होंगे। तो भाई देखो अभी आ गया है, अभी बज रहे हैं 10:30 और ये देखो 10:07 पे ऑर्डर किया था, और ये देखो डिटेल्स, ऋषिकेश वाला बर्गर किंग है, ये सब बिल की डिटेल्स हैं, और ये मैंने जो ऑर्डर किया था वो आप देख सकते हैं। क्रिस्पी वेज कौन सा है, ये वाला पनीर रॉयल 199। आज तारीख कितनी है, 24/2/2024। बर्गर में तो हमारा पेट भरा नहीं है, डोमिनोज से पिज्जा और खा रहे हैं। थोड़ा देर बाहर खड़े हो गए आके, 10-15 मिनट लगेगी बनने में। और भाई क्या हवा चल रही है, देखो पत्ते कैसे हिल रहे हैं इसके, तपोवन की हवा है ये, क्या हवा है, मजा आ गया। कितने दिन से सामने लक्ष्मण झूला इंक्लेव भी है, ये देखो पूरी सोसाइटी है जो कि फेल हो चुकी है बिल्कुल, देखो लाइट नहीं जल रही क्योंकि इसमें पानी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल रही नहीं है। और भाई अभी बज रहे हैं 10:54, 11 बज गया, अभी घाट पे जाएंगे। मैं कह रहा हूँ अभी घाट पे चलेंगे, है ना, थोड़ी देर घाट पे बैठेंगे। फिर लक्ष्मण झूला की तरफ जा रहे थे, मुझे ये ऐड दिखा है, माया लग्जरी मीट्स नेचर 2BHK सूट्स, ये देख लो भाई, ये मोबाइल नंबर है, जिसको लेने तुरंत ले लो, तब पर लक्ष्मण झूला पे बन रहे हैं ओपी चेन ग्रुप भाई, जिसको लेने हैं आग बंद करके ले लो, दुगना तिगना पैसा कमा लो, मैं रियल बता रहा हूँ, यही भी बन रहे हैं लक्ष्मण झूला से पहले। सो दोस्तों अभी बज रहे हैं 11:15 और हम सरस्वती घाट पे आ गए हैं लक्ष्मण झूला के पास, सामने 13 मंजिला टेंपल और सामने रिवर गंगा, और हवा क्या प्यारी चल रही है भाई, गर्मी आ रही है कम रहेगा, है ना, यहाँ पे हमेशा ऐसी हवा चलती है गर्मी, मई जून में भी सुपर है। देखो कुछ लोग उधर घूम रहे नीचे, कुछ वहाँ पर, क्या बेहतरीन हवा चल रही है, और चांद कितना क्लियर दिख रहा है सामने, मणिकूट पर्वत ब्लैक ब्लैक पूरा, कुछ गांव पहाड़ों पे जिनकी लाइटें चमक रही हैं। तो सर कैसी हवा चल रही है यहाँ पे, हमेशा सी रहती है, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया क्या, ये क्यों रोक रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, अभी हुआ है एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट हुआ है इसलिए वो हाथ दे रहा था, मुझे लगा हाथी वाथी आ गया इसलिए रोक रहा है, तब भी रोकते हैं भाई साहब, रुक जाओ आगे हाथी है, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो काफी टाइम हो गया एक्सीडेंट हुए हुए, तभी तो टोइंग कार आ गई है और फैमिली कोई है नहीं, रोक क्यों रहा था वो चढ़ाने के लिए, नहीं ऐसा रोक रहा था, धीरे चलो मुझे लगा कुछ हेल्प मांग रहा है। ऋषिकेश हमने लीव कर दिया है, 11:43 हो रहे, 12:40 तक घर पहुंच जाएंगे, और अभी ये घना जंगल राजा जी नेशनल पार्क का। सो दोस्तों 12:15 हो गए हैं और बस हम पहुंच गए हैं देहरादून, और सामने रायपुर चौक, फिर वहां से राइट टर्न, ये पूरा एलिफेंट कॉरिडोर है और लेपर्ड एरिया है, इसलिए मैंने मोबाइल निकाल लिया, मैंने कहा कुछ साइटिंग होगी तो रिकॉर्ड हो जाए। वैसे तो डैश कैम भी चल रहा है इसमें, ग्रीन लाइट चल रही है, लास्ट टाइम जब हम मेरठ से आ रहे थे मुझे लेपर्ड साइटिंग हुई, लेपर्ड के बच्चे की जो साइटिंग हुई थी वो इसी एरिया में हुई थी, इसलिए मैंने मोबाइल ऑन कर लिया है, देख लेंगे अगर कुछ मिलता है तो। बहुत आराम से चलते हैं, इधर मादा रहती है लेपर्ड वाली और उसके साथ बच्चे हैं एक दो, तो वो दिखते रहते हैं, बहुत आराम से चलता हूँ। ये क्या है, हाथी का गोबर है क्या, नहीं ये तो वैसे ही है पराली है, इन दिनों ही आया करते हैं हाथी भी सर्दियों में, आजकल पता नहीं क्या हो गया आ ही नहीं रहे। सारा स्टील देखना। भाई मिलते हैं ना, ओके बाय।
तो भाई एग्जैक्ट 12:38 पे मनीष भाई को यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों ये था मेरा ऋषिकेश का टूर। आज बस हम उस इवेंट में जाने के लिए, वैसे तो ऋषिकेश में बहुत इवेंट होते रहते हैं, बहुत सालों से मैं देख रहा था कि सैटरडे संडे में अलग अलग कैफे में काफ़ी सारे इवेंट होते हैं, पर ये हाउस ऑफ ट्रेवलर का बेस्ट इवेंट था। 12 मॉन्क कैफे में भी था लेकिन वहाँ पे नहीं गए, वो थोड़ा सा बोरिंग था। हालांकि ये सबसे बेस्ट था और ये बेस्ट ही इतना अच्छा नहीं था। मनीष भाई तो खैर एक्सपर्ट हैं इवेंट्स में जाने के, IIT रुड़की में इनके फादर प्रोफेसर हैं और वहाँ भी थॉम्स होता है हर साल, जो काफ़ी लोग जानते होंगे थॉम्स होता है, लेकिन वहाँ वो बेस्ट था, बेस्ट होता है। इन्होंने बोला इनकी लाइफ का लाइव इवेंट थॉम्स था, और देहरादून में भी काफ़ी इवेंट होते हैं लेकिन ये वाला इवेंट उनके सामने कुछ भी नहीं था। ना म्यूजिक इतना अच्छा था और एक ही तरह का म्यूजिक चला रहे थे, कुछ भी नहीं था। मतलब आज के बाद इनके इवेंट में तो जाने का नहीं है। बस ये था, आपको भी रिव्यू दे दिया है मैंने। और इससे अच्छा तो सीक्रेट गार्डन में था। सीक्रेट गार्डन में काफ़ी अच्छे दिन में जो इवेंट पिछली बार गया था वो अच्छे थे। तो फिलहाल तो यही था इस ब्लॉग में, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय।